Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some numerical problem on inverse Laplace transform. तो इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने दो थ्योरम डिस्कस किया था उसी के ऊपर ये प्रॉब्लम है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जो दोनों थ्योरम हमने स्टार्ट किया बताया था पिछली वीडियो में वो ये था. पहला थ्योरम ये था कि इफ़ एल इनवर्स एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी देन लाप्लास इनवर्स एफ टू द पावर एन एफ एस इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन टी टू द पावर एन एंड एफ ऑफ टी. तो अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं. उसी तरीके से था इफ लाप्लास इनवर्स दिस इक्वल टू एफ ऑफ टी देन एल इनवर्स एफ ऑफ एस अपॉन एस. तो ये डिवीजन बाय एस से था. तो ये इक्वल होता है जीरो टू टी एफ यू और डी यू. ठीक है, तो इन्हीं दोनों थ्योरम को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे. तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको. तो हमें बताना है फाइंड लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस वन का होल स्क्वायर. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस प्लस वन के लिए निकालेंगे लाप्लास का इनवर्स. उसके बाद फिर हम बाई एस करके यहाँ दिख रहा है अपॉन में एस स्क्वायर है. तो अगर एफ एस हम निकाल लेंगे तो अपॉन में एस, फिर एक बार और एस करेंगे तो यहाँ एस स्क्वायर हो जाएगा. तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम फाइंड करें लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस वन. अगर ये हमें मिल जाएगा तो हम फिर यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा लेंगे. तो हमें, या उसके पहले हम इसको अगर स्क्वायर लाना होगा तो पहले हम पावर वाला फार्मूला लगाएंगे एफ टू द पावर एन, उसके बाद हम एस के लिए लगाएंगे. तो सेकेंड थ्योरम ये वाला लगाएंगे. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि एल इनवर्स वन अपॉन एस माइनस ए होता है ई टू द पावर ए टी. लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस माइनस ए क्या होता है, ई टू द पावर ए टी. या हम इसी को लिख सकते हैं एल इनवर्स वन अपॉन एस प्लस ए इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए टी. ठीक है, तो अगर यहाँ पे वन होगा, जैसे यहाँ पे ये है, ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी. क्लियर, जब माइनस होता है तो प्लस होता है, जहाँ प्लस होता है तो माइनस आता है इनवर्स में. तो हमें मिल गया, इसको हम फॉर्मूले की तरह समझ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो l इनवर्स वन अपॉन एस प्लस वन इक्वल हो गया e टू द पावर माइनस टी. ठीक है, तो ये एक तरह से l इनवर्स ये f ऑफ s हो गया, और इधर क्या है e टू द पावर माइनस टी. तो एक तरह से ये एफ टी हमारा दे रहा है, जैसे ये है इस फॉर्म में हो गया एल इनवर्स एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ टी. यहाँ पे क्या है, एल इनवर्स वन अपॉन एस प्लस वन, ये क्या है, ये हो गया हमारा एफ एस के जैसा. और ये किस तरह का हो गया, ये हो गया एक तरह से एफ ऑफ टी. क्लियर है, ये पूरी राशि कैसी है, एफ ऑफ एस के जैसा, और ई टू द पावर माइनस टी हो गया एफ ऑफ टी. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही फार्मूला लगा लेंगे. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, फिर L इनवर्स अगर हम F डैश निकालेंगे, या एक बार तो हम ऐसा लिख सकते हैं d बाई डी एस वन अपॉन एस प्लस वन इक्वल टू. अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं. जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये n था तो डी एफ अपॉन डी एन था, या एक तरह से एक्स के जो f है उसका nth डेरिवेटिव है. ये जो यहाँ पे n है वो क्या शो करता है, ये है nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यस स्मॉल s. उसी तरीके से ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी यहाँ पे 1 है. तो हम एक तरह से क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, L इनवर्स f ऑफ वन और s, सिंपली हम ये निकाल रहे हैं. या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं d बाई डी एस और एफ एस. अब क्लियर हो जाना चाहिए, L इनवर्स f डैश s, यहाँ से n के जगह 1 पुट करेंगे अगर, तो f1 s हो जाएगा, या f डैश बोले या f1, तो L इनवर्स d बाई डी एस f ऑफ s. ठीक है, इसको हम इतना लिखें. अब ये क्या हो गया, d बाई डी एस और एफ एस हमारा यही था,
वन अपॉन एस प्लस वन, यहाँ से वन अपॉन एस प्लस वन। अब इसको हम फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, माइनस वन टू द पावर, यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या है n की जगह 1 है, फिर यहाँ t का पावर n है, यहाँ t का पावर क्या है 1, और f ऑफ t यहाँ पे क्या है e टू द पावर माइनस t, तो सिंपली हो गया e टू द पावर माइनस t, ठीक है। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल इनवर्स, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी बाई डी एस है, तो इसका हो जाएगा माइनस वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये होगा माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी, ठीक है। तो यहाँ से हम चाहें तो इस माइनस को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें सिंपली मिल जाएगा एल इनवर्स वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टी और ई टू द पावर माइनस टी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एल इनवर्स माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो सिंपली होगा एल इनवर्स वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टी ई टू द पावर माइनस टी। देखिए इसका एक पार्ट आ चुका है जो हमें लाना था, लाप्लास इनवर्स एस प्लस वन होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने एक थ्योरम यूज़ कर लिया जो फर्स्ट वाला था, तो यूजिंग तरह से अगर इसको हम फर्स्ट मानेंगे यूजिंग एबव थ्योरम या फर्स्ट थ्योरम लिख सकते हैं, या वही थ्योरम यहाँ पे उतार सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट थ्योरम था, ठीक है। अब हमें दूसरा लगाना पड़ेगा, जैसे ये अब इसको हम एफ एस मानेंगे, अब इस पूरी चीज़ को अगर हम एफ एस समझें, इसको अगर हम एफ एस मान के चलें और ये वाला पूरा टर्म को हम क्या मान लें एफ टी, या इसको हम एफ यू लिखेंगे जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे यू हो जाएगा जहाँ जहाँ टी है, या हम इसको एफ एक्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ टी है वहाँ एक्स सपोज कर लेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। तो एफ एस बाई एस, यहाँ पे ये एफ एस है अपॉन में एस, तो हम इसको देख के कैसे लिखेंगे, एल इनवर्स वन अपॉन एस एस प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरी चीज़ सेम है, यानी एफ एस और अपॉन में एस, क्लियर, एफ एस अपॉन एस वही है। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम सिर्फ वही फार्मूला यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, एल इनवर्स तो एल इनवर्स एफ ऑफ एस अपॉन एस, सिंपली यही है। तो एल इनवर्स एफ एस के जगह पे क्या है वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये अपॉन में एस है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से ज़ीरो टू, एक तरह से टी है यहाँ, या हम एक्स यूज करें जो भी यूज कर सकते हैं, तो ज़ीरो टू टी, और यहाँ पे क्या है एफ यू डी यू, तो हम चाहें तो इसको एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ज़ीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, या यू में भी लिख सकते हैं, तो ज़्यादा कंफर्टेबल हम लोग एक्स के साथ रहते हैं तो एक्स ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये एफ टी के बराबर है तो एफ एक्स जब लिखेंगे तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा ए टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर डी एक्स, सिंपली अगर ये एफ टी है तो एफ एक्स क्या होगा एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स और डी एक्स, लिख सकते हैं यहाँ से सेकंड थ्योरम से, हम यहाँ भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम टू, या जो भी थ्योरम होगा, या पूरा का पूरा थ्योरम होगा लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ तो हमें निकालनी है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड अप्लाई करिए क्या होगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, या वन होगा, सिंपली यहाँ पे इतना हो जाएगा अपॉन माइनस वन, फिर इंटीग्रेशन, या यहाँ पे हम लिमिट भी लगाएंगे तो ज़ीरो टू टी, और
यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to t, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इसका फिर से e-x/-1 यहाँ पे dx, ठीक है। यहाँ पे जब हम लिमिट रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे t रखेंगे माइनस t, यहाँ पे एक साइन आएगा माइनस, ठीक है। तो ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा और ये x e-x, अगर हम t यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा t e-t, और एक माइनस यहाँ पहले से है, बाद में वो प्लस हो जाएगा लेकिन जीरो की वजह से वो पार्ट ख़त्म हो जाएगा, तो -t e-t, और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, लेकिन फिर से इसका हम करेंगे डेरिवेटिव तो ये मिलेगा हमें e-t और अपॉन में -1, इसकी वजह से ये प्लस है लेकिन जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e-t/-1, तो एक तरह से ये माइनस यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा यहाँ पे -1 माइनस ऐसा, सो ये मिल गया हमें e-t, तो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे जब हम लिमिट रखेंगे e-x का e-t, वही हो जाएगा, फिर जब हम माइनस करेंगे तो जीरो वाला लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, तो जब जीरो वाला लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो माइनस यहाँ पहले से है, जब e-x की जगह जीरो रखेंगे तो वो भी 1 आएगा, तो यहाँ पे एक और टर्म आएगा +1। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, अब देख लीजिएगा यहाँ से ये हमें मिलेगा और इस वाले इंटीग्रेशन से, इस पूरे इंटीग्रेशन से ये हमें मिलेगा माइनस ऑफ दिस पूरा, तो इसको हम लिख सकते हैं फाइनली यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, इसमें e-t कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 1+t, तो ये हमको मिल गया L इनवर्स 1/s s+1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस e-t और 1+t, ठीक है। तो इसको भी हम कुछ मान लेते हैं कि इसी से हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ तक जो हमने किया है एक बार फिर से देख लीजिए, जो चीज़ें हमें निकालनी होगी s+1, हम पहले सेकेंड टर्म को देखेंगे और उसके हिसाब से हम एज्यूम करेंगे कि अगर L इनवर्स हमारा ऐसा है 1/s-a इतना होता है और ये L-1 ये 1/s+a e-t-80, तो हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि L इनवर्स 1/s+1, तो ये डिसाइड करेगा कि यहाँ e का मान क्या होगा, e-t, और यहाँ से हमें मिल गया कि यही ft है और ये वाला टर्म fs, तो हम इस थ्योरम पे जा सकते हैं L इनवर्स f(s) और ये ft हो गया, क्लियर। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ 1 होगा इस तरह से, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब d/ds, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं d/ds 1/s+1, ये किसकी वैल्यू है, ये सिंपली f(s) है, क्लियर। यहाँ से f(s) की वैल्यू थी और इसको हम थ्योरम की तरह ब्रेक कर लिए, -1 t/1 e-t, ये ft था e-t-ft, उसके बाद सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई किए यहाँ पे, फिर माइनस से प्लस हुआ और इस यहाँ के बाद फिर हमने दूसरा थ्योरम अप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद जब हमें 1/s+1 का होल स्क्वायर मिल गया यहाँ पे, तो ये दिख रहा है कि 1/s² है और एक दूसरा फार्मूला हम पढ़े हैं fs/s का, तो हमें दिख रहा है कि अगर हम इसको दो बार इस थ्योरम को यूज़ कर लेंगे तो एक बार में s आया है, एक बार और यूज़ करेंगे तो हमें s² की वैल्यू मिल जाएगी, और इधर 0 to t fu du था, तो जब हम fs/s करेंगे fs/s, तो fs की वैल्यू क्या थी, fs की वैल्यू यहाँ के हिसाब से ये वाला fs की वैल्यू है, तो fs/s = 0 to t u e-t, एक तरह से ft का मान जो था यहाँ पे ये वाला, क्लियर। तो इस तरीके से हम पा गए लाप्लास इनवर्स 1/s s+1 का होल स्क्वायर = 1 e-t-1+t, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि अगर एक बार और हम यही थ्योरम को अप्लाई करें ये वाला सेकंड वाले को, तो हम यहाँ s² पा जाएंगे और वही चीज़ वहाँ अप्लाई करना है, तो चलिए सेकंड देखते हैं इसका,
So now L inverse 1 upon S square S plus 1 का whole square. हम अब क्या कर रहे हैं, इसमें s से फिर से डिवाइड कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे ये वाला जो पूरा टर्म है वो किस जैसा हो, ये हो गया एफ एस जैसा, एक तरह से ये एफ एस हो गया. तो एफ एस अपॉन s, फिर से हम वही यूज कर रहे हैं एफ एस अपॉन s, ठीक है. तो अब यहाँ एफ एस की वैल्यू है 1 अपॉन s s प्लस 1 का होल स्क्वायर. थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा. तो इसको भी हम इसी तरीके से चेंज करते हैं. तो क्या होगा, 0 टू t, और इसको x में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये अगर ft है यहाँ पे, जैसे ये fs हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या है, ये पूरा टर्म यहाँ पे ft जैसा है. ft जब हम fx लिखेंगे तो जहाँ जहाँ t है वहाँ x हो जाएगा. सो 1 माइनस e टू द पावर माइनस x 1 प्लस x और dx, यही हम यूज कर रहे हैं. यहाँ पे फिर से लिख लेंगे by using second theorem. या एग्जाम में आप कभी करो तो फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले को ही लिख दो वहाँ थ्योरम को, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ थ्योरम को सेकंड फर्स्ट नहीं दे सकते, तो डायरेक्ट थ्योरम ही लिख लेंगे. अब इसको फिर से उसी तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, पहला वाला हो जाएगा x, ठीक है, माइनस. अब ये फिर से यहाँ से फर्स्ट सेकंड अप्लाई होगा, या इसको हम पहले ब्रेक कर लेते हैं. तो थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इंटीग्रेशन को हम बाहर रहने दें, 0 टू t 1 माइनस e टू द पावर माइनस x और प्लस माइनस x e टू द पावर माइनस x, क्लियर. सो 1 माइनस e टू द पावर माइनस x और माइनस x e टू द पावर माइनस x dx. तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा x, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस x अपॉन माइनस 1, ठीक है, फिर माइनस. अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो फिर से वही दो पार्ट मिलेगा जो यहाँ पे मिला था. जो पहला वाला हमने इंटीग्रेशन किया था वो यही पार्ट था, x इंटू e टू द पावर माइनस x. तो वहीं से डायरेक्ट उठा लेते हैं, उसका मान क्या आया था, यही आया था, ठीक है. लास्ट में हमें यही वैल्यू मिली थी, तो इसको हम लिख लेते हैं वहीं से डायरेक्ट. यहाँ पे हम लगा देते हैं लिमिट, तो 0 टू t, और इसमें क्या आया था, इस पूरे का ही इंटीग्रेशन था वो. तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस e टू द पावर माइनस t और 1 प्लस t, क्लियर. तो इसको हम थोड़ा सा अगर ब्रेक कर दें तो इस तरीके से आइए, 0 टू 1 1 माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस 0 टू 1 x e टू द पावर माइनस x और dx. dx यहाँ भी होगा dx, ठीक है. तो इसकी वैल्यू यहाँ पे है पूरी, x हो गया इसका, और ये e टू द पावर माइनस x अपॉन माइनस 1 माइनस ये 0 टू यहाँ पर t है, ठीक है. और ये पूरा सॉल्व हमने किया है इसी आर्टिकल में, इस पूरे की वैल्यू यही आई थी, 0 टू t x और e टू द पावर माइनस x की वैल्यू क्या थी, पूरा का पूरा यही था, यही तो था. अभी हमने सॉल्व किया ये वैल्यू, 1 माइनस e टू द पावर माइनस t 1 प्लस t. तो इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है. तो ये मिलेगा जब हम t रखेंगे यहाँ, तो ये t हो जाएगा, और माइनस से ये प्लस हो रहा है, ये हो जाएगा प्लस e टू द पावर माइनस t. जब जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से ज़ीरो, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा. सो माइनस 1 एंड देन माइनस 1 माइनस e टू द पावर माइनस t, या यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 1 प्लस t, ठीक है. तो ये हो जाएगा t प्लस
यहाँ पे ई पावर टी और एक ई पावर टी यहाँ पे है, तो हो जाएगा 2e-t -2 और एक टर्म हो जाएगा टी यहाँ पे प्लस ब्रैकेट, हम केवल ब्रेक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना ठीक है। तो टू ठीक है, ये है इसका आंसर, क्लियर है। यहाँ पे प्लस है प्लस, तो ये हमें मिल गया फाइनली लाप्लास इनवर्स 1/s² s+1 का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ कुछ नहीं था, सिंपली हमने इस ब्रैकेट को ब्रेक किया है और जो टर्म सेम थे जैसे e-t और e-t इसको ऐड कर लिया तो 2x e-t हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, अगर धीरे धीरे आराम से समझेंगे तो उतना कठिन नहीं है। एक बार हमने इस थ्योरम को यूज़ किया और दो बार इस थ्योरम को यूज़ किया, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत कुछ लगेगा तो आप फिर से पूछ सकते हैं, हम बता देंगे कमेंट करके। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये है एक और क्वेश्चन जो इसी थ्योरम पर बेस्ड है, फाइंड लाप्लास इनवर्स 1/s² + 1 का होल स्क्वायर। हमें फाइंड करना है 1/s² + 1 के होल स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे अंदर हमें दिख रहा है, यहाँ पे क्या है fs की वैल्यू, यहाँ fs की वैल्यू है 1/s² + 1 का होल स्क्वायर एक तरह से। तो यहाँ से हम पिक कर सकते हैं यहाँ से कि 1/s² + 1, हम जानते हैं कि लाप्लास इनवर्स 1/s² + 1 का लाप्लास इनवर्स होता है और ये होता है साइन टी। ये दिमाग में आना चाहिए, अगर हम ये निकाल लेंगे तो इसके बाद फिर हमें दिख रहा है कि इसका स्क्वायर है, तो इसका अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कैसे आएगा, अगर इसका हम डेरिवेटिव किसी तरीके से करेंगे तभी होल स्क्वायर आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ds/1/s+something कुछ किया जाएगा तो एक तरह से -1/s² + 1 का होल स्क्वायर टाइप का आता है। अगर सिंपली हम यस करें तो हमें क्या मिलता है -1/s², ठीक है। तो वहाँ से हम ये सोच सकते हैं कि अगर हम इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव किस टर्म में आता है, डेरिवेटिव इस थ्योरम में आता है। डेरिवेटिव इस थ्योरम में दिख रहा है कि f(n)s है, तो इसका मतलब ये nth डेरिवेटिव है, तो हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। तो नेक्स्ट हमें यही करना है कि इसका हम nth डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो nth डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से करेंगे या तो या थ्योरम से करेंगे, तो उसके लिए हम केवल एक बार इसका कर देंगे तो हो जाएगा। एक बार अगर हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे यानी f(s) अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें बड़े आराम से यहाँ पे होल स्क्वायर मिल जाएगा, और इधर हम ये अप्लाई कर लेंगे -1^n ये। उसके बाद हमें क्या मिलेगा कि एक टर्म s ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे s² + 1 दिख रहा है। तो जब हम यहाँ डिवीज़न रूल लगाएंगे तो यहाँ नीचे तो स्क्वायर हमें मिलेगा लेकिन ऊपर s आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन में ऊपर यस है नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको हम फिर दूसरे फार्मूले को यूज करके, दूसरे थ्योरम को यूज करके fs/s वाले से उस s को कैंसिल कर देंगे। तो नेक्स्ट जो थ्योरम यूज होगा वो ये वाला थ्योरम यूज होगा, फिर हम उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। इसका हम आंसर बता देते हैं फिलहाल, ये आज आप अपने से करिए होमवर्क की तरह, नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसको पूरे डिटेल में। फिलहाल हम इसका आंसर दे देते हैं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। इसका आंसर है 1/(t cos t + sin t) ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो ये है फाइनली लाप्लास इनवर्स 1/s² + 1 का होल स्क्वायर।
ये लाना है, यही है रिजल्ट, ठीक है। सो 1/2 माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी, ये लाना है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।